तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन होगा। कई मामलों में छानबीन की अब जरूरत पड़ती है। एसआईए में नए प्रबंधन से काम होगा, अत्याधुनिक टीम रहेगी और पर्याप्त संख्या में स्टाफ रहेगा। नहीं नहीं, मतलब ये है कि बहुत बहुत बड़ा टीम नहीं गठित हो रहा है, लेकिन ये है कि पर्याप्त संख्या में लोग रहेंगे जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रबंधनों के साथ, नई टीम के साथ बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए जो एनआईए है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया जा रहा है। अनवरत 5 वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? और क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं भैया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करने तैयार हैं। कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार देना लोगों को, विकास के कार्य अवरुद्ध कर देना, मतलब ये सब क्या हो रहा है?